को बदनाम करने के लिए, यानी राज्य का अपमान कैसा हो इससे कभी। ये चीजें मैं देख के ताजुब करता हूं किसको यहां पर कैसे वो किया जाता है। संभवतः उन्नाव की घटना हम अभी भोले नहीं होंगे, सपा नेता के प्लाट में गड़ी मिली दलित लड़की की लाश, ये सच था ना, उन्नाव तो ही बगल में है। और ये उन्नाव के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता के प्लॉट में उनके द्वारा इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आई थी। ललितपुर में एक नाबालिग बालिका के साथ एसपी नेता के द्वारा दुष्कर्म की बात सामने आने पर फिर उसकी गिरफ्तारी भी हुई, ये बात भी सबके सामने है। यही नहीं, और भी तमाम मेरे सामने तो बहुत बड़ी वो है, लेकिन अगर मैं इसको पढ़ने लग जाऊंगा तो अनावश्यक रूप से एक वैसी स्थिति पैदा होगी, ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन थोड़े बहुत हम कर लेंगे। यहां पर चोरी के वाहन के साथ एसपी नेता गिरफ्तार, 12 इंजन, 10 गियर बॉक्स, 2 स्कॉर्पियो, टाटा 407 समेत कई वाहन सामान बरामद। यानी ये अब ये लोग कानून व्यवस्था के बारे में हमसे प्रश्न करते हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में प्रश्न करते हैं। क्या ये सच नहीं कि पिछली सरकारों के समय थाना और तहसीलें गिरवी रख दी जाती थी? एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी थाने में नहीं जाता है, किसी तहसील में नहीं जाता है, अनावश्यक सिफारिश करने नहीं जाता है। और कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ट्रांसफर पोस्टिंग में उसको सौदेबाजी नहीं करता है, उसका उद्योग नहीं बनाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी यहां कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया। हम सच्चाई को क्यों जो है स्वीकार नहीं कर पाते हैं? और मुझे लगता है कि जिस दिन व्यक्ति सच स्वीकार कर लेगा ना, बहुत सारी समस्याओं का स्वतः समाधान होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सच न स्वीकार करना ही मुझे लगता है कि जनता जनार्दन के द्वारा जो ये जनादेश दिया गया ना, उसी का एक परिणाम भी है। जनता जानती है कि कितना सच बोलेंगे आप लोग, इसलिए जो है उसमें बहुत ज्यादा विश्वास भी नहीं करती है, और आप लोगों को जो है बार बार उधर की व्यवस्था उधर करने का काम भी कर रही है। मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति क्या थी महोदय? प्रदेश के अंदर अगर हम इसकी चर्चा कर ही लें, प्रदेश के अंदर कैसे यहां की व्यवस्था को कैसे बदनाम करने का काम किया गया यूपी को, और कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाएं 2017 के पहले बदहाल थी, स्वास्थ्य की सुविधाओं को भारत सरकार लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहती थी, लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस पिछली सरकार ने नहीं ली, फ्री में मिल रही थी नहीं ली। मार्च 17 में जब मुख्यमंत्री बना मुझे पता लगा कि हमें लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मिल रही है, तो मैंने उस समय के अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से कहा, मैंने कहा क्या शर्त इसकी है? कहा कोई शर्त नहीं, केवल एक पत्र हमारा जाना है, हम उसको स्वीकार करें। हमारे स्वास्थ्य मंत्री गए और वे सभी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस यूपी को प्राप्त हुई, और हर जनपद में आज के दिन हमारे पास बड़े जनपद में 4 से 5, छोटे जनपद में 2 से 3 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। उनकी कीमत को हम लोगों ने कोविड काल खंड में पहचाना है कि क्या उसकी कीमत होती है, कि उसका महत्व क्या होता है, वह भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर देखा। दूसरा, इससे ज्यादा प्रमाण और क्या हो सकता है कि प्रदेश ने अपने यहां जो लक्ष्य इस दिशा में प्राप्त किया है। मैं अभी भारत सरकार के कुछ डाटा देख रहा था और मैं इस चीज को देख रहा था कि कैसे उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य सूचकांक में एक बेहतर स्थान प्राप्त किया है, खासतौर पर
एनएफएचएस के जो फोर्थ की जो तुलना में एनएफएचएस की फिफ्थ में जो संस्थागत प्रसव की संख्या है वह 67.80% से बढ़कर के 83.4% हुई है और यह राष्ट्रीय औसत यानी में जबकि यानी इस दौरान मात्र 9.67% की बढ़ोतरी हुई उत्तर प्रदेश में, इसमें सर्वाधिक बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश के अंदर हुई। टीकाकरण में बच्चों के टीकाकरण के लक्ष्य को भी उत्तर प्रदेश ने बेहतर तरीके से पूरा किया और उत्तर प्रदेश ने जो हमेशा उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात को लेकर के तमाम हमारे जनपदों पर आरोप प्रत्यारोप लगते थे उसको भी बेहतर करने का कार्य किया। ये चीजें दिखाती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर मैटरनल एनीमिया में, संस्थागत प्रसव में, शिशु मृत्यु दर में और सभी अन्य मानकों में विगत 5 वर्ष के अंदर अभूतपूर्व सुधार हुआ है।